दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। ललितपुर में मसाला व्यापारी को जान से मारने का षड्यंत्र रचा जाता है और ललितपुर पुलिस को जब यह पूरी जानकारी मिलती है तो आनंद फानंद में ललितपुर पुलिस उस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए लोगों को गिरफ्तार करती है और ललितपुर SP मोहम्मद मुश्ताक प्रेस वार्ता कर देते हैं। प्रेस वार्ता जब करते हो, प्रेस के सवालों के बीच में जब SP अपनी बातें रखते हैं तो स्पष्ट तौर पर बहुत सारी तस्वीरें क्लियर हो जाती हैं कि किस प्रकार से एक मसाला व्यापारी को जान से मारने को लेकर एक षड्यंत्र रचा गया और जो मास्टरमाइंड है वो फरार नजर आते हैं। लेकिन आज सुबह सुबह खबर मिली है कि जो उस पूरे घटनाक्रम के पीछे के मास्टरमाइंड है अवैध चौबे, उन्हें ललितपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ चल रही है। आखिरकार यह पूरा घटनाक्रम क्या है, किस प्रकार से मसाला व्यापारी की जान से मारने को लेकर पूरा षड्यंत्र रचा गया, इसके पीछे की पटकथा क्या है, इन सब पर चर्चा करने के लिए बहुत जल्द हम आप लोगों के बीच में आने वाले हैं। तमाम तथ्यों को जुटाएंगे, तमाम बातों को, उन लोगों को जो उनके साथ में व्यापारिक तौर पर इन्वॉल्व रहे हैं और वो लोग जो इस पूरे षड्यंत्र के पीछे उस कहानी में जुड़े हुए नजर आए हैं। अवैध चौबे की गिरफ्तारी हो चुकी है, 25,000 के इनामिया अवैध चौबे गिरफ्तार हो चुके हैं और ललितपुर पुलिस पूछताछ कर रही है। हो सकता है ललितपुर SP सबको घटनाक्रम को लेकर फिर से ब्रीफ करें, हो सकता है फिर से प्रेस वार्ता हो सकता है बहुत सारी चीजें और निकल के सामने आए पूछताछ के बाद। लेकिन इस समय जो ललितपुर में जो बड़ा घटनाक्रम आया है वो यही है कि मसाला व्यापारी को जान से मारने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया और षड्यंत्र में कहीं ना कहीं नाकाम नजर आए हैं वो लोग जो षड्यंत्र रच रहे थे। और ललितपुर पुलिस की सूझबूझ कहें, सतर्कता कहें, कुछ भी मान लीजिए उसके लिए, जिसके कारण पूरा एक खेल उजागर हुआ है और कहीं ना कहीं सतर्कता को देखते हुए ललितपुर SP मोहम्मद मुश्ताक ने पूरे घटनाक्रम पर नजर तो बनाई है, साथ साथ मसाला व्यापारी को सुरक्षा भी प्रदान की है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या चीजें खुलकर सामने आती हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कौन है, क्या कहानी है, वो सब कुछ हम आप लोगों के बीच में लेके आने वाले हैं। बने रहिएगा हमारे साथ।